उज्जैन शहर के सड़कों पर रंगपंचमी पर शहर सुनसान रहा, मगर गली मोहल्लों के अंदर जमकर रंगपंचमी मनाई गई। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाया गया रंगपंचमी का त्यौहार। बाजार सुनसान रहे और पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों पर बैठे हुए दिखे। उज्जैन शहर में गंभीर महामारी कोरोना वायरस का असर जमकर दिखाई दे रहा है और उसी के तहत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के अनुसार संपूर्ण जिले के अंदर धारा 144 लगी हुई है। वहीं शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगता है। शहर में मास्क न पहनने पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। वहीं रंगपंचमी पर लोग बाजारों में नहीं निकले, मोहल्ले घरों पर रहकर ही रंगपंचमी का त्यौहार मनाया। महाकालेश्वर मंदिर में अंदर पारंपरिक चल समारोह निकाला, जिसमें पंडित पुजारी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में देवादिदेव महादेव को टेसू से बना हुआ रंग लगाया गया, फिर पारंपरिक पूजा अर्चना कर रंगपंचमी मनाई गई। मंदिर में यहाँ पुजारी और प्रशासनिक अधिकारी सहित भक्त मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।